मैं जब दयाल जी से मिली थी ना, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बस एक बार सरस्वती जी से मिलवा दीजिए। वो मुझे कह रहे थे कि चाहिए तो आप जीवन भर मुझे जेल में रख देना, बट एक बार सरस्वती जी से मिलवा देना। एंड आई एम श्योर सरस्वती आंटी से मिलने के बाद ही दयाल अंकल हमें अतीत में छिपे राज के बारे में बताएंगे। मैं देखता हूँ बात करके चाची से, वो तो तुमसे नाराज है। वो तो तुमसे भी नाराज है। हाँ, मेरी तो चाची है, पर तुम तो You know what? मेरी गलती हो गई जो इतनी रात को मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। आई एम लीविंग। अरे क्या कर रही हो, कितनी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे हेल्प की मुझे, मैं जा रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी गाड़ी के साथ? एक बार अगर तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाओ तो सीट बेल्ट लगती नहीं है, और एक बार लगा दी तो सीट बेल्ट खुलती नहीं है। एक काम कर लो ना, तुम अपनी गाड़ी के सारी सीट बेल्ट ठीक कर लो। लिसन, तुम मेरी गाड़ी को कोसना बंद कर दो, तुम्हें सीट बेल्ट खोलना नहीं आता। बोलो, पहली बार नहीं बैठ रही हूँ मैं गाड़ी में। मुझे तो लगता है तुम पहली बार ही बैठ रही हो। सीट बेल्ट कैसे खोलते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम? मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने तो दो। I'll show you how to. निकलूंगी मैं इस गाड़ी से बाहर। What's wrong with you? Leave. मैं कर रही हूँ। छोड़ो ना तुम। Let me do it. वो देखो श्याम, लगता है लैला मजनू इश्क फरमा रहे हैं। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है सर। चलो देखते हैं। आउच, लग रही है मुझे। क्या कर रहे हो, चलो बाहर आओ। सर वो सीट बेल्ट अटक गई थी इस। ओह, सब समझता हूँ मैं, तो छुप छुप के लव स्टोरी चल रही है अंदर। हाँ नहीं सर, मैं चलो मैंने कहा बाहर आओ। सर मैं सच कह रही हूँ, गाड़ी की सीट बेल्ट अटक गई थी। कितनी देर से हम कोशिश कर रहे थे। इस तरह के बहाने रोजाना सुनते हैं हम लोग। अरे बता दो अभी, ने क्यों झूठ बोलना, और हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे थे, तो इनसे क्यों छुपाना। What? सर 3 महीने हुए हैं हमारी शादी को। तो और अब काफी बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इतना छोटा सा घर और इतने सारे लोग, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी ताऊ जी ताया जी बच्चे। हमारे घर में पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज ही नहीं, इसलिए जब भी हम लोगों को एक साथ हमारा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, यूं ही हम एक छोटी सी लंबी सी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, किसी ठेले पर रुकते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और फिर दिल है कि मानता नहीं, कभी कभी मचल जाता है सर। अरे इनसे क्या छुपाना, बता दो ना सर को। अब सर भी आई एम श्योर मैरिड होंगे, वो भी हमारी प्रॉब्लम समझेंगे, है ना सर। हमारे सर तो अलग घर में शिफ्ट हुए हैं फैमिली से परेशान होकर। अरे सर अब तो फैमिली वालों का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मम्मी पापा हम लोगों से कहते हैं कि तुम लोग नहीं लगते ऐसे अच्छे, क्यों नहीं कर लेते दो बच्चे। अब ऐसे में दो प्यार करने वाले क्या करेंगे सर। हाँ ठीक है, लेकिन क्या है ना, ऐसा काम कार में करना अच्छा नहीं है। देखो एक्साइटमेंट में मैडम को चोट भी लग गई सर में। कोई अच्छी जगह देखो जो कम्फर्टेबल हो। श्योर सर, आप ही कोई सजेशन दे दीजिए। व्हाट मतलब सर, हम लोग जा रहे हैं। जल्दी जाओ, रात का समय, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। डन सर, बाय बाय सर, टेक केयर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे पास। जोर जोर से चिल्लाकर क्या पुलिस वालों को वापस बुलाना चाहती हो? मुझे लगता है तुम पूरी रात ना लॉकअप में बिताना चाहती हो मिस शर्मा, और हम लोगों पर इल्जाम क्या लगेगा, इनडिसेंट पब्लिक बिहेवियर। वाह, इसलिए तुमने मेरे बारे में इतनी घटिया बातें की। अरे अब वो पुलिस वालों को देखकर जो निकला मैंने बोल दिया, वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा नहीं किया, मेरा हाथ नहीं पकड़ा अंदर। वाह, तुमने पहले मेरा हाथ पकड़ा था। मैं फूल, सीरियसली मैं जा रही हूँ, यहाँ पे मुझे रुकना ही नहीं है। लिसन, बहुत रात हो चुकी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एक बार दयाल जी ना सरस्वती आंटी से मिले, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। मैं तुम्हारा बॉस हूँ,
तुम मेरी एम्प्लॉय, इसलिए जैसा मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी अकड़ आती कहां से मिशन में। रात भर सोए नहीं ना तुम? चलो मेरे साथ, उठो। भाभी प्लीज, वो किसी से बात करने या मिलने का मन नहीं है। खाटू श्याम जी से भी नहीं? अगर मन ना हो तो मुझसे भी बात मत करना, आंखें बंद कर बैठी रहना, खाटू श्याम जी के भजन सुनना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे तो नाराज नहीं होना। चलो 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 मेरे साथ। सरस्वती, तुम फूल ले आओगी? मुझे पंडित जी से कुछ बात करनी है। जी भाभी। हारे का सहारा कहलाते हैं ना खाटू श्याम जी। आज जिस दरिंदे की इन्होंने पेल करवाई है ना, उस दरिंदे ने तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दिया। तुम उस पापी को तो छुड़ा लिया, अब क्या लेने आई हो? चली जाओ। उनके बारे में बात करने नहीं आई हूं मैं यहाँ, आज एक औरत के बारे में बात करने आई हूं मैं, जिनका सब कुछ उजड़ गया। उनका पति, उनका इकलौता बेटा उनसे छिन गया। बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आपसे आपकी दोनों बेटियां छिन गई। किसकी बात कर रही? आप दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पति और उनका एक इकलौता बेटा जिंदा होके भी उनके पास नहीं है। एक माँ का दर्द, एक पत्नी का दुख एक समान होता है ना आंटी? कौन है वो? उन्हें कोई मदद चाहिए? कैसे हुआ ये सब उनके साथ? आपका दिया हुआ श्राप लग गया मैडम जी। क्या? मैंने आपको पहचाना नहीं। सुधा, सुधा दयाल सिंह। एक माँ का श्राप है, तुम्हारा अपना तुमसे छिन जाएगा, जब तुम्हारी औलाद तुमसे बिछड़ जाएगी तब तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा मिलेगी। तुम फिर चोट पहुंचाने आ गई मुझे। तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे वेदिका? ये बस एक बार की। प्लीज आंटी, वेदिका के लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए। कोयल, तुम कल रात नहीं थी तो तुम्हें कुछ नहीं पता, बेहतर होगा कुछ ना बोलो। चाची, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? तुमने भाभी का इस्तेमाल किया ताकि मैं मंदिर आऊं? See, I know you are angry,
पर हमारी बात तो सुनिए। कल कह दिया ना सागर, दोस्ती खत्म, रिश्ता खत्म, तो अब किसी की क्यों सुनूं मैं? चाची, चाची बात तो सुनिए चाची, हम लोगों की चाची एक बार हमारी बात तो सुनिए। मैडम जी, तुमने तो कहा था कि सरस्वती अपने कमरे में है, कहाँ है? माँ मैंने देखा था, तुम यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। लाली, मैं दिख जाती हूँ, दिख जाती हूँ। कहीं दयाल से मिलने तो नहीं गई ना? मेरे साथ जो आपका रिश्ता है, वो नफरत का, गुस्से का, उसे आप चाहकर भी कभी नहीं तोड़ सकते। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे सामने आ सको? एक झटके में मेरी जिंदगी नरक बना दी तुमने, आज तुम्हारी ये जुर्रत कि मेरे सामने खड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें? माफी, दया या अपने गुनाहों से मुक्ति? नहीं मिलेगी। भूल गए? 20 साल पहले मैं कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गलती नहीं, गुनाह, पाप किया है तुमने। ए मैडम जी, इतने दिनों से मैं चैन से सो नहीं पाया मैडम जी। 20 साल पहले आप पूछती रहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं झूठ बोलता रहा। झूठ? हाँ। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। उस दिन मैं नशे में नहीं था मैडम जी, और वो एक्सीडेंट भी कोई एक्सीडेंट नहीं था। मुझे मोटी रकम दी गई थी ये पाप करने के लिए। तुम किसने किया ये सब? जवाब दो। ये जो ना मैडम जी, वो मैडम मुझे वो गौतम का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उन्हें मारा गया है, मर्डर हुआ है उनका। वो एक्सीडेंट नहीं था,
चाची आंटी चाची आंटी मां सरस्वती घर से बाहर चली गई है अरे दयाल से मिलने गई है सरस्वती आपको भी पता नहीं चला मैं आपसे बात कर रहा हूं मां आप कर क्या रही हैं अपना फोन चेक करो दिग्विजय दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होती है और हम वही कर रहे हैं हर सिचुएशन में सेकंड ऑप्शन तैयार रखना चाहिए और मुसीबत के समय में इस सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए राजेश्वरी नीति यही कहती है आज अगर जानवी और यामिनी यहाँ पर होती वैसे ही बैठी होती अपनी माँ के पास पर अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही यहाँ नहीं है एक एक्सीडेंट ने चाची की पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि कुछ पता ही नहीं लगा सरस्वती हालत हो गई है बेचारे की तुम उसे वहां क्यों लेकर गए Why did you even think कि सरस्वती अपने पति के कातिल को मिलना चाहेगी क्यों सागर आप बिल्कुल सही कह रही हैं राजेश्वरी जी सरस्वती जी की ये कंडीशन उस हादसे की वजह से ही बहुत गहरा शॉक लगा है इनको मैंने इंजेक्शन दे दिया है इससे इन्हें गहरी नींद आ जाएगी और इनके दिमाग को भी आराम मिलेगा लेकिन मेक श्योर कि किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो डॉक्टर फिक्र करने की तो कोई जरूरत नहीं है नहीं मैं मेडिसिन लिख देता हूं सागर दिस इज सो और ये लड़की यहां क्या कर रही है माँ ये... चलिए आइए डॉक्टर साहब मैं आपको नीचे तक छोड़ता हूं चाची को ठंड लग रही है मैं शॉल लेकर आता हूं क्या वो नहीं मिली शॉल नहीं ढूंढ रहा हूं अक्सर गर्म कपड़े ऊपर वाले शेल्फ में होते हैं रोज जरूरत नहीं पड़ती ना उसकी हाँ मैंने देखा यहाँ पर भी पर यहाँ पर भी नहीं है मैं हेल्प कर देती हूँ कोई For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.